नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। और दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी सेकेंड ईयर का छात्र है उसके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सेकेंड ईयर का जो विद्यार्थी है वो अब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया है कि आखिर वो सेकेंड ईयर की तैयारी करे या फिर थर्ड ईयर की। तो आज की इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया और सुन लिया ध्यान से, तो आप ये निर्णय ले सकते हो कि आपको सेकेंड ईयर का पढ़ना है या फिर थर्ड ईयर का पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, सेकेंड ईयर के कई विद्यार्थी मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर, आप सेकेंड ईयर का जो मैटर है, जो बचा हुआ है, उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भैया, सेकेंड ईयर को आप पढ़ना मेरे हिसाब से फ़ायदेमंद नहीं होगा। क्यों फ़ायदेमंद नहीं होगा? क्योंकि जो सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम अगर आपकी होगी, दिसंबर या नवंबर कभी भी आपकी एग्ज़ाम होगी, तो आपकी एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल तरीके से ली जाएगी। आपके पेपर बिल्कुल सिंपल बनेगा, यानी कि आपको सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम है उसकी डीप तैयारी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो क्या समझ में आया? सेकेंड ईयर वाले जो विद्यार्थी हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि सेकेंड ईयर की जो तैयारी है अब आगे कंटिन्यू करना सही नहीं होगा। और मेरे हिसाब से तो आपको सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम की पेपर तैयारी है वो अब छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई करना चाहता भी है तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करनी है एग्ज़ाम की तैयारी। और ये एग्ज़ाम की तैयारी सेकेंड ईयर की है वो आप जब अपनी एग्ज़ाम होगी उससे एक महीने पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तब अपनी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी कोई डिस्कस नहीं हुआ, फिक्स नहीं हुआ है कि आपके एग्ज़ाम किस पैटर्न से ली जाएगी और कब ली जाएगी। ठीक है, अब थर्ड ईयर की जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये थर्ड ईयर जो अपनी क्लास है, थर्ड ईयर के जो पेपर्स हैं उनकी आपको अब तैयारी करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब आप कहोगे सर, आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए, हम तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो अब क्लास की बात ऐसी है कि आपको जो क्लास है वो अपने 15 जुलाई 20 जुलाई के समथिंग अपने नया बैच स्टार्ट कर देंगे, जिसमें अपन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के तीनों सब्जेक्ट को चालू करेंगे। तो उसमें अपन थर्ड ईयर की क्लास को चालू कर देंगे। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से बच्चों को स्पष्ट हो गया होगा या थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि अपन को क्या करना चाहिए अब। लेकिन देखो, जो स्टूडेंट अब थर्ड ईयर में आ चुका है, अब उसको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करने में भी जुट जाना चाहिए। क्योंकि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में आपने कुछ नहीं किया, अगर आपको एक अच्छा सिलेक्शन पाना है तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी थर्ड ईयर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये बात तो तय है। अब मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनो, समझो इस बात को, यदि कोई स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम या फिर कोई सिविल सर्विसेज में या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसको बीएससी पे अब थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, अब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके जैसे बीएस थर्ड ईयर के एग्ज़ाम की पेपर की स्टार्ट या पेपर्स जो हैं अपने पास उनके अगर तैयारी स्टार्ट कर देते हैं चैनल पर, तो आप वहाँ पे क्लास रेगुलर लीजिए। उसके अलावा आप क्या करिए, आराम से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अपने गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, और जो फिर आगे करना चाहता है, जो बंदा बीएससी के आगे एमएससी भी करना चाहता है, तो वो अपने आराम से डीप में पढ़ता रहे बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब के अधिकतर 70 से 80% छात्र ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन अभी कन्फ्यूज़ हैं, तो मैं उनको स्पष्ट कर देता हूँ कि आपको अब बीएससी के चक्कर में नहीं पढ़ना है और आपको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी है। थर्ड ईयर स्टार्ट हो चुकी है अब, और आपको क्या करना है, अब आराम से आपको सेकेंड ईयर की चिंता छोड़ो। सेकेंड ईयर को अपन कर लेंगे जब अपनी एग्ज़ाम फिक्स हो जाएगी, और जब भी अक्टूबर नवंबर में होगी, और एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल तरीके से होगी, पेपर बहुत ही सिंपल आएगा। ठीक है, और सेकेंड और थर्ड ईयर की जो क्लासेज हैं वो अपनी स्टार्ट कर देंगे, तब आप रेगुलर क्लास ले लेना। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको करंट अफेयर्स पे कमांड करना ज़रूरी है। जैसा कि मैं अपने चैनल पर डेली जो कुमार गौरव सर अपने उत्कर्ष वाले सर हैं वो शानदार करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, और उनके बरोबर में या मान लीजिए कि करंट अफेयर्स शायद कोई चैनल पर पढ़ाता होगा, लेकिन अब देखो उनकी जो क्लास है बहुत लंबी होती है, इसलिए उनके जो क्लास के नोट्स हैं वो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं अपने चैनल पर क्या करता हूँ, उनको डाल देता हूँ। ठीक है, उन नोट्स को अपने चैनल पर डाल देता हूँ, जिससे क्या है कि आप आराम से उस क्लास को ले लीजिएगा, उसके बाद में आप नोट्स को डाउनलोड करके और आराम से उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हो गई बात। अब मेरे हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको
तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को स्पष्ट हो गया होगा आज इस क्लास से कि अपन को क्या करना है नहीं करना। और मैं आपको वापस बता देता हूँ कि आपको सेकेंड ईयर की टेंशन छोड़नी है और थर्ड ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है जब अपने चैनल पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और सभी बच्चों को जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी करना चाहता है तो उसको स्टार्ट कर दीजिए बिना देरी के, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। तो आज की वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी मेरे हिसाब से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी सभी को कर